बगैर बहुत किसी लंबी तमहीद के, चूँकि बज़्म इस मकाम पे आ चुकी है कि दिलों से आप शायरी को महसूस भी कर रहे हैं, तवज्जो भी दे रहे हैं, सराह भी रहे हैं, मैं आज की इस बज़्म की निज़ामत कर रहे मन्नान भाई को अपने ही खुद के कहे इन चार मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि सितारे बोए हैं सूरज यहाँ निकालेंगे, सितारे बोए हैं सूरज यहाँ निकालेंगे, जमीन चीर के हम आसमां निकालेंगे। अगर गजल ने भी दामन झटक लिया हमसे, गुबार दिल का ये जाकर कहाँ निकालेंगे। भाई मन्नान फराज, हाजिर इकराम, बहुत खूबसूरत अशार से नवाजा जनाब पंकज पलाज साहब ने। बस चंद उस्ताद मोहतरम से इजाज़त तलब करते हुए, सुने के कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की, समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। कड़ी कड़ी उर्दू अदब से मेरे दिल की, समझ लो खुद ब खुद ही जुड़ गई है। जरा सा हाथ क्या थामा गजल ने, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है। जरा सा हाथ क्या थामा गजल ने, जरा सा हाथ क्या थामा गजल ने, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है, कई चेहरों की रंगत उड़ गई है। सुने तो कुछ बिल्कुल नया शायर के, बड़ा मासूम होता है ये मीठी आँख का पंछी, बड़ा बड़ा मासूम होता है ये मीठी आँख का पंछी, न जाने कब कहाँ कैसे किसी मंजर से लड़ जाए। बड़ा मासूम होता है, आदर्श सुनो तुम्हारे लिए खास तौर से, बड़ा मासूम होता है ये मीठी आँख का पंछी, न जाने कब कहाँ कैसे किसी मंजर से लड़ जाए। भरोसा है मगर फिर भी नज़र तो रखनी पड़ती है, न जाने कब कहाँ कैसे किसी मंजर से लड़ जाए। भरोसा है मगर फिर भी नज़र तो रखनी पड़ती है, हमारे फूल के पीछे कोई भंवरा न पड़ जाए। भरोसा है मगर फिर भी नज़र तो रखनी पड़ती है, भरोसा है मगर फिर भी नज़र तो रखनी पड़ती है, हमारे फूल के पीछे कोई भंवरा न पड़ जाए। और चार मिसरे उन बड़ी शख्सियात के नाम, पंकज पलाज साहब हैं, दादा सूरज साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो गज़ल चलिए उस गज़ल के मतलब दो तीन शेर सुना दें कि वो जिसके हाथ में, सुन सलील भाई मतलब, वो जिसके हाथ में दुनिया का ताना बाना है, वो जिसके हाथ में दुनिया का ताना बाना है, उसे पता है कहाँ पर किसे बिठाना है। वो जिसके हाथ में दुनिया का ताना बाना है, उसे पता है कहाँ पर किसे बिठाना है। आसानी मतलब ही देखें कि हर एक रिंद का आपस में दोस्ताना है, हर एक रिंद का, बहुत जल्दी आ गए आप लोग, हम यह पर हम लोग ने जल्दी शुरू कर दी। आइए रियाज भाई, हर एक रिंद का आपस में दोस्ताना है, सियासी बज्म से बेहतर शराब खाना है। हर एक रिंद का आपस में दोस्ताना है, सियासी बज्म से बेहतर शराब खाना है। और ख़ता मुआफ़ तुम अखबार वाले हो साहिब, ख़ता मुआफ़ तुम अखबार वाले हो साहिब, तुम्हें तो सिर्फ जले पर नमक लगाना है। ख़ता मुआफ़ तुम अखबार वाले हो साहिब, तुम्हें तो सिर्फ जले पर नमक लगाना है। और ये खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ शेर पर कि ख़ता मुआफ़ तुम अखबार वाले हो साहिब, तुम्हें तो सिर्फ जले पर नमक लगाना है, और मरा है फिर वहीं मज़दूर एक सर्दी से, मरा है फिर वहीं मज़दूर एक सर्दी से, जहाँ पे कीमती कंबल का कारखाना है।
मरा है फिर वही मजदूर एक सर्दी से, मरा है फिर वही मजदूर एक सर्दी से, जहां पे कीमती कंबल का कारखाना है और वहीं पे खेलते रहते हैं मेरे घर के चिराग, वहीं पे खेलते रहते हैं मेरे घर के चिराग, जहां से रोज हवाओं का आना जाना है, वहीं पे खेलते रहते हैं मेरे घर के चिराग, जहां से रोज हवाओं का आना जाना है, जहां से रोज हवाओं का आना जाना है। एक मतला दो चीज दो शेर उस गजल के जो मुझे अच्छी लगती है, और उसके कुछ शेर मतला सादा सा मतला है कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, हमने हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर, हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर, और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, और जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, और जुल्म सहते हुए परनामी जी जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर, जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर, कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, कितना कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर, कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर।